नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में होगा आपके सामने वो कत्ल नहीं हादसा था। दूल्हे की खुशी पर लुटेरी दुल्हन के मंसूबे भारी, पलक झपकते गले से चैन गायब। अपार्टमेंट की खिड़की पर फायरिंग, निशाने पर अपार्टमेंट या कोई और। ज्ञान के मंदिर में घिनौनी करतूत भी आज आपको दिखाएंगे। जिस युवक की मौत पर परिजन ने हत्या का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया और दो दोस्तों पर हत्या का आरोप भी लगाया, उसी घटना का सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने कर दिया है। युवक की मौत हत्या नहीं हादसा थी और मृतक शातिर चोर था जो सतना से बाइक चोरी कर भाग रहा था और सड़क हादसे का शिकार हो गया। ना वो हत्या थी, ना वो थी कोई साजिश। वो चोरी की वारदात को देता था अंजाम। उसकी मौत थी सड़क हादसा। जब उसका शव मिला तो कई आरोप लगे। उसके परिजनों ने दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस जांच में जुटी और फिर हुआ खुलासा। एक ऐसा खुलासा जिसे सुनते ही उसके माँ बाप को यकीन नहीं हुआ कि उसका बेटा ऐसा भी कर सकता है। दरअसल मामला रीवा का है। रीवा की बाण सांगर के अतुल सोनी का शव पुलिस को बाईपास पर मिला। पुलिस ने जब माँ बाप से संपर्क किया तो उसके माँ बाप ने उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस जांच में जुटी और जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाना शुरू किया। मृतक के शरीर में चोट के कई निशान मिले। हत्या की आशंका पर पुलिस आगे बढ़ती गई। पुलिस ने फाइलें खंगालना शुरू किया, दोस्तों से पूछताछ की तो मृतक युवक के नाम, काले कारनामे के कई सबूत मिले। उसके खिलाफ कई सारे अपराध के काले चिट्ठे मिले और इस काले करतूत को सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वो युवक कोई आम नहीं था, वो शातिर चोर था जो चोरी और ना जाने कैसी कैसी घटनाओं को अंजाम दिया करता था। एक ऐसी ही चोरी को अंजाम देने वो अपने दोस्त संग निकला था। उसने एक बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। तो इसमें पता चला कि ये शव अतुल सोनी पिता सत्यनारायण सोनी का है और जो कि बाढ़ सागर का निवासी है, और साथ ही इसके दोस्तों द्वारा सूचना दी गई थी कि ये इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और इसी को यहाँ पर बाईपास पर पड़ा हुआ मिला है। इसमें तस्दीक की गई तो तस्दीक के दौरान पाया गया कि अतुल सोनी, इसको पिछले दो बार से हम लोगों ने जब पहले बाइक चोरी के खुलासे किए थे तो इसमें ये चोरी के इल्जाम में गया हुआ था और इससे कई बाइक भी बरामद हुई थी, साथ ही फोर व्हीलर भी बरामद हुई थी। मृतक चोर अतुल सोनी कोलगवा थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद लौट रहा था। चोरी की बाइक लेकर जब रीवा की ओर आ रहा था, इसी दौरान सतना के बाईपास स्थित गुमराह गाँव के समीप सड़क हादसे का शिकार हो गया, गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके दोनों दोस्त बाइक में लेकर उसे रीवा की ओर आ रहे थे और तभी उसकी जान चली गई। दोस्तों ने विश्वविद्यालय पुलिस को सड़क हादसे की सूचना दी। पुलिस पहुंची, तफ्तीश हुई और फिर सारा खुलासा हुआ। जब तस्दीक की गई तो पता चला कि ये सतना में चोरी करने के उद्देश्य से गए थे और सतना में एक बाइक चोरी करके जो भी मृतक है अतुल सोनी ये ला रहा था। तो बाइक चोरी करते टाइम जब सतना से गुजर रहा था बाईपास से कोलगवा थाना क्षेत्र के गुमराह गांव से, वहां पर इसका एक्सीडेंट हो गया। ये बाइक पर अकेला था तो एक्सीडेंट के दौरान ये अत्यंत ही गंभीर अवस्था में आ गया था, जिसको लेकर इसके जो दोनों साथी दोस्त थे इसको बाइक पर लेके आ रहे थे और यहां पर लाते लाते उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई, तब उनके द्वारा सूचना दी गई थी। हर गलत काम का अंत होता है और इस शातिर चोर का भी अंत हो गया जो चोरी के पैसे से ऐश किया करता था। वो चोरी करते करते मौत के मुंह में चला गया। न्यूज 18 के लिए सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल की रिपोर्ट। और अब हसरतों के बाजार का वो सच जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। पहले शादी के लिए उतावले कुंवारे की तलाश, फिर हुस्न का ऐसा जाल की शिकार खुद ब खुद उसमें फंसता जाए, और जब तक शिकार को यह समझ आता कि उसका सब कुछ लुट चुका है तब तक बहुत देर हो जाती है। जब तक ठगी का एहसास होता है तब तक अरमान और सामान दोनों पर हाथ साफ कर चुकी होती है
लुटेरी दुल्हन। आप कुंवारे हैं तो हो जाइए सावधान, आपको शादी की जल्दी है तो रहिए अलर्ट। वो आ गई है हुस्न का जाल बिछाने, अपनी नशीली आंखों से सबको लूटने। वो हुस्न की परी नहीं, वो है लुटेरी दुल्हन। सावधान हो जाइए शादी का ख्वाब देखने वाले, क्योंकि ये कहानी फिल्मी नहीं बल्कि हकीकत है। वो पहले कुंवारे लड़कों की तलाश करती है, फिर उनके संपर्क में आती है और उन्हें अपने हुस्न के जलवे दिखाती है, और फिर बात शादी तक आ जाए तो ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाता है कि कुछ कोई समझ ही नहीं पाता और हो जाता है उसका शिकार। लुट जाता है वो, बर्बाद हो जाता है वो हो जाती है अपने मंसूबों में कामयाब। ये सब चल रहा है मध्य प्रदेश में, जहां लुटेरी दुल्हन के कई गैंग हैं, और इस बार इस गैंग ने खरगोन के एक शख्स को अपने हुस्न के जाल में फंसाया और लूट लिया। दलित एवं गरीब व्यक्ति है, ये एक लुटेरी दुल्हन है, एक गैंग चल रही खरगोन जिले में, उनके हाथों ठगी हुई है ये। आवेदक जो दूल्हे के भेष में है, उसने थाने पर आकर एक कंप्लेंट की है कि रामेश्वर खेड़े नाम है उसका, धामनोद थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसका कहना है कि कुछ लोगों ने उससे संपर्क किया और एक फ़ोटो दिखाया और लड़की से मिलवाया भी, और उसको ये बोला कि 110,000 रुपये, ये लड़की गरीब है, इसको इसके माँ बाप को देना पड़ेंगे और तुम्हारी इसकी शादी करा देते हैं। दोनों की शादी की बात पक्की करी और 10,000 रुपये पहले एडवांस ले लिए। सुना है वो ऐसे लड़कों की तलाश में रहती है जिसे शादी की जल्दी होती है। वो लुटेरी लड़की दुल्हन बनकर आती है, बड़े बड़े ख्वाब दिखाती है, दूल्हे को लगता है कि उन्हें जन्नत की हूर मिलने वाली है, और उसके जाल में वो फंस जाता है। लेकिन उसे क्या पता कि वो जिस हुस्न की मलिका के जाल में फंस रहा है, वो मलिका उसे बर्बाद करके छोड़ेगी। ये कहानी का क्लाइमैक्स, अब पूरी कहानी जानते हैं। माथे पर सेहरा, सूट बूट, साथ में आए बाराती, कोर्ट के बाहर की ये तस्वीर खरगोन की है। दरअसल धार जिले के धामनोद के पास डोल गांव में रामेश्वर वानखेड़े की शादी की बातें चल रही थी कि तभी उनके संपर्क में कुछ लोग आए और दुल्हे रामेश्वर के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। पेशे से कारीगर दुल्हा लड़की की कारीगरी में फंस गया। शादी तय हुई, दुल्हन को दूल्हे के पिता ने 10,000 रुपए शगुन के तौर पर दिए। 4 दिन पहले सगाई हुई और उसके बाद कोर्ट मैरिज। शादी की बात हुई, दुल्हा रामेश्वर पूरे परिवार के साथ कार में सवार होकर खरगोन कोर्ट पहुंचा। वहां उसकी दुल्हन और उसका भाई पहुंचा। उसका भाई शादी से पहले दुल्हन के लिए गहने खरीदने के नाम पर 1,00,000 रुपए मांगता है। दुल्हा बेचारा उसके चंगुल में फंस जाता है, और फिर जो हुआ वो आप सुनिए। ये हमारे साथ बुधवार के रोज जैसे कि बात हुई थी शादी की, और आज हमको बुलाया था यहाँ पे कोर्ट में, बोले कोर्ट मैरिज करेंगे, और खरगोन के पहले ही हमको रोका और बोले कि ज्वेलरी लेना है इसलिए हमको 1,00,000 रुपए दे दो। उनको 1,00,000 रुपए दिए और वो यहाँ तक आए नहीं और भग गए। तो सुना आपने, जब दुल्हन कोर्ट नहीं पहुंची तो दूल्हे और उसके परिजनों को अंदेशा हुआ कि वे लुट गए हैं। वो दुल्हन कोई आम दुल्हन नहीं थी, वो तो लुटेरी दुल्हन थी, और लुटेरी दुल्हन उसे लूटकर फरार हो गई। जब ठगी का एहसास हुआ तो दुल्हा बारात के साथ ही थाने पहुंच गया और अपनी ठगी की दास्तां सुनाई। दूल्हे और परिजनों की शिकायत पर ठगी धारा 420 के साथ विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया। अब पुलिस ठग दुल्हन और उसके साथियों की तलाश में सरगर्मी से जुट गई है। इसमें पुलिस अपराध पंजीबद्ध करके संबंधित लोगों को आइडेंटिफाई करेगी, और चूंकि इसमें एक नाम आया है मेहरजोरा गांव का, उसको पकड़ा जाएगा। अभी भी हमने एक पार्टी भेजी थी लेकिन वो घर पर नहीं है। बाकी कुछ लोग पुराने
इस तरह के बदनाम है जो इस तरह के काम करते हैं, उनसे भी सुरागरसी की जाएगी। वो कभी ममता बनती थी, कभी सीमा, ऐसे न जाने कितने ही नामों से उसने लोगों को ठगा। अब पुलिस लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों की तलाश में जुट गई है। न्यूज 18 के लिए खरगोन से आशुतोष पुरोहित की रिपोर्ट। ग्वालियर की उस सड़क पर इस कदर लिखी गई गुनाह की इबारत कि महिलाओं का चलना फिरना तक दूभर हो गया। अपराध को अंजाम देने का तरीका इतना शातिराना और तेज, मानो लुटेरे नहीं हवा का झोंका हूं। लेकिन कानून के हाथ लगे एक सुराग ने जहां से वारदात की साजिश रची थी उसका पता दे दिया और फिर सलाखों के पीछे पहुंचे हवा की रफ्तार वाले लुटेरे। वो बाइक से आते थे, महिलाओं पर रहती थी नजर, वारदात को देते थे अंजाम और फिर रफू चक्कर। उस गैंग ने आतंक बचा रखा था, महिलाओं को सड़कों पर चलना दूभर कर दिया था, वॉक के लिए महिलाओं का निकलना बंद हो गया था क्योंकि महिलाएं जैसे ही पलक झपकती थीं, गले से चेन गायब, कानों से बाली गायब। ये सब कुछ चल रहा था कई सालों से, ये सब कुछ चल रहा था ग्वालियर की सड़कों पर। शहर में अलग अलग इलाकों में लगातार बढ़ रही लूट की वारदातों से परेशान पुलिस हर चौक चौराहों का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, अपने हर मुखबिर से मिल रही थी जहां से कुछ तो क्लू मिले उस गैंग का जिसने ग्वालियर के सड़कों पर महिलाओं का चलना मुश्किल कर दिया था। और एक दिन पकड़ में आ गया वो जिसका ग्वालियर की पुलिस अरसों से इंतजार कर रही। मुखबिरों ने जानकारी दी कि ये बदमाश ग्वालियर के नहीं बल्कि जिले के बाहर यानी कि मुरैना के। पुलिस अपनी जांच की कड़ी दर कड़ी जोड़ती गई, पहुंच गई मुरैना के बानमौल और गैंग के तीन बदमाश चढ़ गए पुलिस के हत्थे। पिछले 15 दिनों में कुछ वारदातें लगातार शहर में हुई जिसमें चैन और मंगलसूत्र छीने गए थे महिलाओं से, और एक बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए था ग्वालियर के लिए। इसमें हमारे एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा और गजेंद्र वर्धमान, इन लोगों ने फिर टीमें बनाई हैं जिसमें सीएसपी महाराजपुरा, सीएसपी विश्वविद्यालय और सीएसपी बुरार, इनके साथ में इनकी टीमें बनाई गई और क्राइम ब्रांच के हमारे संदीप मालवी और उनकी टीमें बनाई गई थी। इन सबको जो घटनाएं हुई थी सब में आसपास में कौन कौन संदिग्ध लोग रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज क्या आया, उस पर कार्रवाई करने के लिए बताया। तो जब ज़्यादा चीज़ों को विश्लेषण किया गया तो उसमें कुछ बातें आई कि पुरानी छावनी के ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति ज़्यादा लगते हैं क्योंकि उनका इस तरह का मूवमेंट समझ में आया। गिरफ्तार बदमाश लूट के सौदागर थे। पुलिस ने इस गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया, पूछताछ की तो जो खुलासा हुआ उसे जानकर चकित रह जाएंगे आप। ये बदमाश एक ही रात में कई चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे देते थे। उसने पिछली ही रात मुरार में दो महिलाओं से मंगलसूत्र और एक अन्य महिला से चेन लूटने में कामयाबी हासिल की थी। इतना ही नहीं, उसी दिन महाराजपुरा थाना क्षेत्र में वॉक कर रही महिला से सोने की चेन लूटने का खुलासा भी किया। पूछताछ में एक के बाद एक खुलासे होते रहे, अपराध की घटना की परतें दर परतें खुलती चली गई। इसमें हमको 11 तारीख को एक अच्छी सफलता मिली कि तीन लोग जो हैं मोटरसाइकिल पे दिखे। जब इनसे पूछताछ की गई तो ये लोग उनमें चार, इन्होंने बताया कि हम लोग पांच लोग हैं और तीन लोगों में से जो व्यक्ति हैं ये बामोर के रहने वाले हैं, एक व्यक्ति अम्बा का रहने वाला है और एक चौथा पांचवा व्यक्ति भी बामोर का रहने वाला है। इनका पुराना रिकॉर्ड वहाँ का है बामोर और मुरैना क्षेत्र का, जिनमें एक के ऊपर 19 अपराध हैं, एक के ऊपर 11 अपराध हैं, एक के ऊपर 2 अपराध हैं, एक के ऊपर 1 अपराध है। और ये अच्छी सफलता मिली है इनसे, जो हमने तीन मंगल, एक चैन और दो मंगलसूत्र जो मुरार थाने की घटनाओं के थे वो जब्त कर लिए हैं। इनसे जो घटनाएं में प्रयुक्त की मोटरसाइकिल जिसका कुछ नंबर हमको मैच कर रहे थे वो भी हमको पकड़ने में सफलता मिली है और इनसे भी और पूछताछ की जा रही है। इनके दो आरोपी भी फरार हैं। वारदातों को अंजाम देने वाली गैंग के तीन सदस्यों को तो पुलिस ने दबोच लिया, वहीं अब दो अन्य बदमाशों की तलाश भी जारी है। तलाश जारी है लूट के उन सौदागरों की जो महिलाओं के अंदर दहशत फैला रहे हैं। न्यूज 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। रायपुर के कंपार्टमेंट के फ्लाइट नंबर 502 पर चली गोली से सनसनी फैल गई। राजधानी के पौश इलाके में हुई इस फायरिंग से दहशत फैल गई। पुलिस, एफएसएल और बैलिस्टिक टीम इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ये पड़ताल कर रही है कि शूटर के निशाने पर फ्लैट के लोग थे या कोई और।
रायपुर में दिन दहाड़े ठाए ठाए। अपार्टमेंट की खिड़की पर फायरिंग, चली गोली, मचा हड़कंप। पुलिस की तफ्तीश, बड़ा खुलासा। रविवार की सुबह 10 से 11 बजे का समय, जब करिश्मा अपार्टमेंट की पांचवी मंजिल की खिड़की पर एक गोली आकर लगती है। गोली शीशे को चीरती हुई दूसरी ओर गिर जाती है। गनीमत यह है कि इस गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ। कल पंडित थाना अंतर्गत में करिश्मा वीआईपी में कल एक गोली चलने की वारदात सामने आई थी। इसमें करिश्मा वीआईपी में पांचवी फ्लोर में बाहर से गोली लगी थी, जिस पे बैलिस्टिक की टीम वहाँ पहुंची है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह एक्सीडेंटल फायर थी या किसी को डराने के लिए किया गया था। अपार्टमेंट पर क्यों गोली चलाई गई, शूटर किसके इशारे पर फायरिंग कर रहा था, इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई। अभी तक पुलिस को खाली कारतूस बरामद करने में कामयाबी हाथ नहीं लगी। वहीं बैलिस्टिक एक्सपर्ट लेजर गन के जरिए मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। गोली चलने की घटना सुबह 10 से 11 बजे के बीच की है, इसलिए पुलिस इस दौरान पैदल और बाइक से आकर फायरिंग करने की संभावना से इनकार कर रही है। पुलिस इस दौरान पंडरी ब्रिज से गुजरी तमाम कारों की जानकारी जुटा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस वारदात के दौरान ब्रिज से गुजरी 6 से ज्यादा कारों को संदिग्ध मान रही है, इसकी जांच कर रही है। सभी पक्षों में जांच जारी है, अभी इसमें एफआईआर लिया गया है और अभी बैलिस्टिक टीम, एफएसआई की टीम, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम सभी इसमें लगी हुई है। राजधानी रायपुर के करिश्मा अपार्टमेंट में दिन दहाड़े हुई फायरिंग से सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक अपार्टमेंट की खिड़की पर गोली चलाने की वारदात को प्रोफेशनल शूटर ने अंजाम दिया। एसएसएल और बैलिस्टिक की टीम मामले की जांच कर रही है। पुलिस को अंदेशा है कि राइफल से प्रोफेशनल शूटर ने फायरिंग की होगी। गोलीबारी की घटना की तह तक जाने के लिए पुलिस अपार्टमेंट के पास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है। सभी तथ्यों में इसमें जांच जारी है, मैंने बताया है, और अभी किसी इस घटना में किसी को चोट भी नहीं लगी है और सभी तथ्यों में देखा जा रहा है क्यों इस प्रकार की घटना हुई है और ये जांच पर ही बात स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस ये भी जांच करे कि कहीं शूटर के निशाने पर विजय पांडे का फ्लैट था या कोई और। पुलिस आसपास के फ्लैट के लोगों से भी पूछताछ कर रही है, जल्द ही इस मामले का खुलासा हो सकता है। रायपुर से न्यूज 18 के लिए युगल तिवारी की रिपोर्ट। आइए अब देखेंगे क्राइम टॉप 20। जबलपुर में सेंट्रल जीएसटी ऑफिस में सीबीआई की छापेमारी, डिप्टी कमिश्नर कपिल कांबले 7 लाख की घूस लेते गिरफ्तार। देवास में जिसमें फरोशी के धंधे का खुलासा, होटल प्रिंस पैलेस में चल रहा था घोरक धंधा, 18 लोगों को पकड़ा। बलरामपुर में नाबालिग युवती से गैंगरेप के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सभी आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। रतलाम कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में जुटे लोग, 8 वर्षीय बच्ची के दुष्कर्म के मामले में किया प्रदर्शन। 17 में कर से परेशान युवक ने की आत्महत्या, मौके से सुसाइड नोट भी बरामद, जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में मकान विवाद को लेकर पड़ोसियों में मारपीट, सूचना पर पहुंची पुलिसकर्मियों के सामने भी हुई मारपीट। 17 में मिला 15 वर्षीय किशोरी का शव, घर के पास खून से लथपथ मिला शव, पुलिस कर रही जांच। मुरैना में साले ने जीजा को मारी गोली, दूसरी शादी की जिद कर रहा था साला। हरदा जिले के फुलरी गांव में नवविवाहिता ने लगाई फांसी, पुलिस कर रही जांच। रायपुर में निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक के पास मिली युवक की लाश, मृतक युवक के शरीर पर चोट के निशान। इसी के साथ ही क्रिमिनल सफलात रही, नमस्कार।